आपका क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n-n² व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड द एंथ टर्म। ठीक है ना, तो इसको हम देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है, उसके बाद ये आपको आ जाएगा बढ़िया से। ठीक है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एपी में ना। तो फर्स्ट इसने कहा सम, तो दैट इज योर एस एन, एस एन इज इक्वल टू 4n-n². ठीक है ना। अब इसके अंदर वेन एवर वी आर गोइंग फॉर टू फाइंड द एंथ टर्म, दैट मींस लास्ट टर्म और टेंथ टर्म, एनीथिंग इज देयर, तो हमको करना क्या है, Sn-1, वी विल गो फॉर Sn-Sn-1, दिस इज योर An, बस इसको ध्यान दो आप। ठीक है ना, अब देखो इसने क्या कहा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो जब हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट नंबर का सम इज क्या होता है, फर्स्ट नंबर इटसेल्फ, है ना। तो दैट मींस दैट इज योर ए। तो सम में आपको इंस्टेड ऑफ एन वी विल पुट 1, तो देखो क्या आ रहा है आपका, एस एन इज 1, तो आपका आ जाएगा S1, दैट इज इक्वल टू 4 into n is 1 -1² दैट इज इक्वल टू 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो S1 इज A1, और यू कैन से ए इट सेल्फ, A1 और ए, तो हमारा फर्स्ट टर्म निकल गया है ना। तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म। फिर इसने क्या कहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स के सम निकालना है हमको। तो दैट मीन्स वी हैव टू पुट इंस्टेड ऑफ 1 नाउ 2, तो सम ऑफ टू टर्म्स दैट इज इक्वल टू 4 into 2 - 2² दैट इज इक्वल टू 8 - 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो सम ऑफ द टू फर्स्ट टू टर्म्स इज 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको निकालते जाना है। तो सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स भी हो गया हमारा। नाउ अब आपको निकालना है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म निकालना है आपको, है ना। तो यहां पर देखो 8 2 आना चाहिए इधर, है ना। तो वी विल पुट ये वाला फॉर्मूला, तो हमारा देखो क्या आ जाएगा, 8 2, तो A2 इज इक्वल टू Sn, दैट मीन्स 2, है ना। तो 2 यहां पर हमने पुट किया था, वी गेट 4। नाउ माइनस Sn-1, दैट मीन्स 2 - 1 इज 1, है ना। तो S1 भी हमने निकाला था, क्या है, 3। तो A2 इज इक्वल टू 1, A2 इज 1 नाउ। ठीक है, तो हमने सेकेंड टर्म भी निकाल दिया। नाउ अब इसने बोला है फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला रिमेन सेम, तो हमारा क्या है, देखो A3 इज इक्वल टू S3 - S2, S3 - S2। तो पहले हम S3 निकालते हैं, तो S3 देखो आपको क्या आ रहा है, S3, तो हमारा है 4 into 3 - 3² दैट इज इक्वल टू 12 - 9 दैट इज इक्वल टू 3। तो देखो आपका A3 कितना आ गया, S3 is 3 - S2, S2 is 4 दैट इज इक्वल टू -1, तो A3 is -1 नाउ। ठीक है, टेंथ टर्म बोला है, तो हमारा क्या होगा,
S10 माइनस S9, है ना। तो हम सेम चीज पुट करते हैं, तो देखो आपका S10 क्या आ रहा है, S10 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना हो रहा है देखो 40 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू माइनस 60। अब S9 निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर तो कितना आ रहा है 36 माइनस 81 दैट इज इक्वल टू देखो कितना आ रहा है 5 7 7 में 3 गया 4 45। तो नेक्स्ट आपका देखो क्या है, क्या निकालना है, S10 माइनस S9 इज योर A10, है ना। तो A10 निकालेंगे हम, तो A10 इज इक्वल टू वी कैन से नाउ माइनस 60 माइनस ऑफ माइनस 45 माइनस 60 माइनस ऑफ माइनस 45 तो कितना आ गया माइनस 60 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू माइनस 15। तो A10 भी आपका निकल गया। फिर इसने क्या कहा है देखो nth टर्म, तो nth टर्म निकालने के लिए आपके पास में दिस इज द फॉर्मूला Sn-1 इज इक्वल टू An, है ना। नाउ तो इसके अंदर Sn में वी विल पुट दिस वैल्यू 4n माइनस n स्क्वायर, तो देखो आपका क्या आ रहा है, यू विल गेट फोर एन माइनस एन स्क्वायर, तो दिस इज योर Sn माइनस नाउ फिर आपको ब्रैकेट में लिखना है 4n-1, है ना, n के बाद n-1 माइनस n स्क्वायर दैट मींस n-1 होल स्क्वायर। इसको सब सॉल्व करो तो देखो क्या आ रहा है 4n-n स्क्वायर 4n-n स्क्वायर माइनस नाउ इसको सॉल्व करो यू विल गेट 4n-1 माइनस 4 सॉरी 4n-4 और क्या आ गया आपका माइनस नाउ फिर ब्रैकेट है n-1 होल स्क्वायर तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n n² + 1 - 2n ठीक है ना। अब ये ब्रैकेट खोल दो तो देखो आपका क्या आ रहा है यू विल गेट 4n-n² - 4n + 4 फिर क्या है आपका देखो माइनस n स्क्वायर माइनस 1 + 2n ठीक है ना। अब जो कट हो रहा है कट करो 4n-4n गॉन माइनस n स्क्वायर और ये भी हमारा माइनस में है माइनस इंटू माइनस इज प्लस तो दिस इज प्लस और दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस तो आपका आ गया n स्क्वायर एंड माइनस n स्क्वायर गॉन तो 4 + 1 = 5 5 - 2n इज योर आंसर 5n-2n 5 + -2n इज योर an। तो इस तरह से आपको इसको निकालना ठीक है।